अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राइज और आपके साथ शेयर करूँगी टॉर्टिला रैप्स की रेसिपी। पीटा ब्रेड कह लें, शावरमा ब्रेड कह लें, रैप्स कह लें, सब एक ही स्टाइल से बनते हैं। बस थोड़ी बहुत चेंजेस हैं जो मैं आगे वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ क्रिस्पी फ्राइज बनाने के लिए मैंने लिए हैं 6 अदद बड़े साइज़ के आलू। आप मीडियम साइज़ के भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, दरमियाने भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। फ्राइज बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग सब बहुत शौक से खाते हैं। मेरे खुद के बहुत फेवरेट हैं, मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ। तो खैर बातें होती रहेंगी, जल्दी जल्दी से फ्राइज़ की कटिंग कर लेते हैं। तो मैंने फ्राइज कट कर लिए हैं इस तरह से। अब मैं लूँगी एक बड़ा सा बाउल पानी का भर के, उसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक और डाल देंगे सारे फ्राइज और रख देंगे 30 मिनट के लिए। अब हम बना लेते हैं अपने रैप्स। उसके लिए मैंने लिया है मैदा, नमक, कलौंजी, ईस्ट और ऑयल। सबसे पहले मैदे में डालूँगी ईस्ट, ऑयल, कलौंजी, नमक और इसे हम गूँध लेंगे गर्म पानी के साथ। अगर आप पीटा ब्रेड बनाना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और आधा अंडा और ईस्ट की क्वांटिटी थोड़ा सी बढ़ा देंगे। यहाँ मैंने डो रेडी कर ली है, अच्छी तरह से इसे गूंध लिया है। अब इस पे मैं हल्का सा ऑयल लगा के तकरीबन 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब फ्राइज प्रिपेयर कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पानी सारा निकाल लिया है फ्राइज का और अब मैं फ्राइज को कवर करूँगी या कोट करूँगी मैदा या कॉर्नफ्लोर। मेरे पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं था तो मैंने मैदा लिया है। आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, मैदा भी ले सकते हैं, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इससे फ्राइज बहुत क्रिस्पी बनते हैं। और एक और सबसे अच्छी टिप है कि जब भी फ्राइज बनाएं और क्रिस्पी बनाना चाहें तो उसके लिए पानी यख ठंडा लें जिसमें आप फ्राइज को सोक करेंगे। तो यहाँ हम फ्राइंग करते हैं। मैंने पैन में ऑयल गरम कर लिया है और अब मैं इसमें अपने फ्राइज डालूंगी। तो यहाँ पर हमारे फ्राइज रेडी हो गए हैं और अब मैं इन्हें निकाल लूंगी। अगर आप मैदा या कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल ठंडे यख पानी में 1 चम्मच नमक डालकर कुछ टाइम के लिए फ्राइज को सोक कर दें और फिर इन्हें फ्राई करें तो भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी फ्राइज रेडी होते हैं। अब मैं अपने रैप्स प्रिपेयर कर लूँगी। उसके लिए जो मैंने डो रेडी की थी उसे मैं मज़ीद सॉफ्ट कर लूँगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम पिज़्ज़ा ब्रेड की डो को सॉफ्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरी डो सॉफ्ट हो गई थी और मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था और इसके पेड़े बना लिए थे। अब दूसरा डिफरेंस पीटा ब्रेड में और रैप्स में ये होता है कि जब हम पीटा ब्रेड की रोटी बनाते हैं तो हम उसे थोड़ा मोटा बेलते हैं और रैप्स की रोटी बनाते हैं तो हम उसे पतला बेलते हैं। यहाँ मैंने रैप्स तैयार किए हैं तो उसके लिए मैंने इन्हें पतला बेला है और हल्का हल्का सा सेक लिया है दोनों साइड से। तो देखें यहाँ पर मेरे रैप्स रेडी हैं और मैंने यहाँ यूज़ किए हैं चिकन चपली कबाब। आप बीफ कबाब भी यूज़ कर सकते हैं, आलू के कबाब भी यूज़ कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। और मैंने इन तमाम चीज़ों को असेंबल करके केचप के साथ और मायो के साथ ये सैंडविच रेडी कर लिया था। बहुत मज़े का सैंडविच तैयार होता है, बिल्कुल मैकरेबिया स्टाइल में। आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, ऑफिस लंच के लिए दे सकते हैं और वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच सके।